अभ्यास 12। इस अभ्यास में हम समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया हमको, निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 3 सेंटीमीटर और इस समांतर चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुजाकार छेद का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आधार गुणी ऊंचाई या संगत ऊंचाई होती है। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है तो यहां पर समांतर चतुर्भुज का आधार हमने ये लिया तो ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी, यानी इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं। जैसे यहां पर बिंदु P से हमने लंब खींचा तो ये आधार कहलाएगा और आधार पर डाले गए लंब को, ये जो लंब खींचा गया है उसकी संगत ऊंचाई कहते हैं। यानी आधार SR गुणे संगत ऊंचाई NP या समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी ये हमारी संगत ऊंचाई कहलाती है। जैसे SRQP ये समांतर चतुर्भुज है तो यहां पर हमने बिंदु P से ये लंब खींचा, इस भुजा को आगे बढ़ाया, तो अब यहां से हम इस भुजा पर लंब खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर, तो आधार हमारा QR होगा और संगत ऊंचाई हमारी PK होगी। तो यहां पर हो जाएगा QR गुणे PK, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर और इसकी संगत ऊंचाई दी दी गई हमको 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 * 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसे सेकंड में 2.8 सेंटीमीटर आधार हो गया, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई, दोनों गुणा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र निकल आएगा। इसी तरह आगे सवाल हल कर लेंगे। यहां पर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया है तो यहां सेंटीमीटर में, तो हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 और 5 105 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। यहां पर ये मिलीमीटर में दिया गया तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 12 मिलीमीटर, हम जानते 1 सेंटीमीटर बराबर होता 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो चूंकि मिलीमीटर छोटा होता सेंटीमीटर बड़ा होता, तो 12 में हम 10 का भाग कर देंगे तो 1.2 सेंटीमीटर। यहां पर ये डेसीमीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर बराबर होता 10 सेंटीमीटर, तो 4.2 डेसीमीटर बराबर, तो 4.2 में जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमें ये देखना है कि मात्रक एक ही पद्धति में होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो या मीटर में हो या डेसीमीटर में हो। जैसे मानक मात्रक मीटर में होता तो मीटर में हो जाए, या सीजीएस पद्धति मिले तो सेंटीमीटर में हो जाए। तो हमें देखना है कि आधार और ऊंचाई के मात्रक कैसे होने चाहिए, एक ही तरह के होने चाहिए, या तो सेंटीमीटर में होने चाहिए या मिलीमीटर में होने चाहिए या फिर मीटर में होने चाहिए। दूसरा है, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहां पर इस भुजा से ये लंब खींचा जा रहा, ये 90° का कोण का निशान है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आधार हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 27 सेंटीमीटर 27 * 54 = 540 वर्ग सेंटीमीटर। इस वाले में आधार हमारा 8 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई हमारी 16 सेंटीमीटर है, तो 16 * 8 कर देंगे, आधार 8 * 16, 16 * 128 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह यहां पर आधार 8 है और संगत ऊंचाई 18, तो इसमें क्या हो जाए, आधार गुणे संगत ऊंचाई, तो 18 में 8 का गुणा कर देंगे तो 18 =
144 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर इस बिंदु से लंब खींचा जा रहा है, ये 90 अंश का कोण है, आधार हमारा ये, यहां पर ये 13 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और बराबर, समांतर और बराबर होती हैं। और ये 24 सेंटीमीटर दिया गया, तो आधार हो जाएगा 13 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर निकल आएगा 24 72 की 2 हंस लगी 7, 24 इसे एकम 24 और 7 31, 312 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल तीसरा, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे छेद का क्षेत्रफल 2.25 वर्ग मीटर और आधार 25 डेसीमीटर है। हमने मान लिया कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई स्मॉल एक्स सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे आधार डेसीमीटर में दिया गया, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर बदलना आसान है, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में मान लिया। तो आधार बराबर 25 डेसीमीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, मीटर बड़ा होता है, डेसीमीटर उससे छोटा होता है, तो 25 में 10 का भाग कर देंगे तो डेसीमीटर मान मीटर बदल जाएगा, और सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो 25 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 2.25 वर्ग मीटर दिया, 1 मीटर बराबर हो तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और ये वर्ग मीटर है तो 100 का 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 100 गुणा 100 10,000, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2.25 गुणे 100 गुणा 100, तो 10,000 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22,500 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबके मान रख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर आधार गुणा ऊंचाई, तो हमारा क्षेत्रफल है 22,500 वर्ग सेंटीमीटर बराबर आधार हमारा है 250 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने एक्स मानी, तो एक्स का मान निकालेंगे, 250 इस 22,500 के नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 22,500 बटे 250, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 नम्बर 225 और 0 का 0 90 सेंटीमीटर, तो जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन चौथा, एक खेस समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका आधार 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर है, ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो ₹5 प्रति वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर, तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये वर्ग मीटर में है और यहां पर डेकामीटर दिया गया है, तो हम डेकामीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो सिंचाई कराने का खर्च निकल आएगा। तो आधार हमको दिया गया 15 डेकामीटर और ऊंचाई दी गई हमको 8 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है, तो 15 डेकामीटर बराबर 15 गुणे 10 यानी 150, ये बदल जाएगा मीटर में, 8 में 10 का गुणा कर 8 धाम 80 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा 150 है मीटर है और ऊंचाई हमारी 80 मीटर है, तो गुणा कर देंगे 1 0 2 0 8 5 40 की जीव लगी 4 8 कम 8 4 12, इतने वर्ग मीटर यानी 12,000 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सिंचाई कराने के खर्च हमसे बोल रहा है यहां पर ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने खर्च, तो 12,000 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर खर्च ₹5 है, तो 5 का गुणा कर देंगे, आंसर निकल आएगा
बारह पंचे साठ, एक दो तीन जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, तो ये 60,000 रुपये जो होगा वो सिंचाई कराने का खर्च निकल आएगा। अगला सवाल है पांचवा, आकृति 12.28, ये वाली आकृति में ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, ये वाला जो चतुर्भुज है वो हमारा कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो सी एफ इस परपेंडिकुलर ए बी, यानी सी एफ ए बी पलंब है, सी एफ ये ए बी पलंब, इस वाली भुजा को आगे तक बढ़ाया गया, और बी जी इस परपेंडिकुलर ए डी, बी जी ए डी पलंब है। तो हम फर्स्ट है, यदि ए बी बराबर 16, ये ए बी बराबर हमको 16 दिया गया ये लंबाई, ए डी बराबर 12, ये लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर दी गई है, और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बी जी का मान ज्ञात करना। तो यहां पर हम देख रहे हैं ए बी दिया है, ए डी दिया है, सी एफ दिया है, बी जी का मान ज्ञात कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता आधार गुणे संगत ऊंचाई या आधार गुणे ऊंचाई। तो यदि हम आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, और यदि हम आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो हम चाहे जौन सा सूत्र लगाए, चाहे हम कोई भी सूत्र लगाए, इस आधार को लेके या फिर इस आधार को लेके, दोनों ही तरह से मान हमको समान प्राप्त होगा। यानी जब हम ये इसको आधार मानते हैं तो ए डी गुणा बी जी हो जाएगा, और जब हम आधार इसको मानते हैं तो ए बी गुणा सी एफ हो जाएगा। तो हम बी जी का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने चित्र देखा भैया, तो आधार गुणा ऊंचाई, तो जब हमने आधार ए डी माना तो ए डी तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी बी जी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि ए बी सी डी है, और यदि हम आधार ए बी मानते हैं तो ए बी तो इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी सी एफ। अब मान रख देते हैं ए डी का मान 12 सेंटीमीटर, बी जी का मान हमको ज्ञात करना है, बराबर ए बी का मान 16 सेंटीमीटर और सी एफ का मान 10, तो बी जी का मान निकालेंगे 12 इसके नीचे चला जाएगा, तो बी जी बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10 बटे 12। तो 16 राम 160 बटे 12, तो हमने 4 का भाग दिया, 4 टिया 12, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 40 बटे 3 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं, 3 का भाग दें 40 में, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, शेषफल में है 1 बटे 3, तो 13 से 1 बटे 3 सेंटीमीटर। अब हमें ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए डी का मान 10 सेंटीमीटर दिया, सी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर दे रहा है, बी जी बराबर 12, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रहा है, ए बी ज्ञात करना है, ये आधार हमको ज्ञात करना है। तो फिर चूंकि हमारा समांतर चतुर्भुज तो यही है, तो हम चाहे इसको आधार माने और ये ऊंचाई माने, चाहे इसको आधार माने ऊंचाई ये माने, दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल समान प्राप्त होगा।